कुछ रिश्ते इस तरह से दिल को छू जाते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि वो रिश्ते बनाए गए हैं। उनमें कभी खोट आ सकती है, उनमें कभी कोई गलत हो सकता है, वो रिश्ता कभी टूट सकता है। वो रिश्ता जो इतना गहरा, अपना, सच्चा लगता है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है? कैसे रुबीना और अभिनव, इन दोनों के बीच दूरियां आई? क्या वजह थी कि उनकी लड़ाई तलाक तक जा पहुंची? क्या है, कैसी है दोनों की प्रेम कहानी और फिलहाल क्या स्टेटस है? बिग बॉस के घर में आने के बाद उनका डिवोर्स का जो एक नवंबर तक में डिवोर्स होने वाला था, इस मुद्दे पर क्या अब स्थितियां बेहतर हुई हैं, इस बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। आपको दिखाऊंगी उनके जिंदगी की कुछ अहम चुनिंदा तस्वीरें भी। रुबीना और अभिनव दोनों ने छोटी बहू सीरियल में साथ में काम किया था। उस वक्त दोनों में कोई दोस्ती भी नहीं थी, प्यार की तो बात ही अलग है। उस वक्त रुबीना उस शो के जो उनके को स्टार थे, हीरो थे, उनको वो डेट कर रही थी, जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम था अविनाश सचदेव। पर कुछ थोड़े दिनों बाद अविनाश सचदेव का किसी और के साथ अफेयर शुरू हुआ, उनका ब्रेकअप हो गया। दो कहानियां सामने आती हैं। गणपति उत्सव के दौरान ये दोनों ने एक दूसरे को मिले थे, तब रुबीना ने साड़ी पहनी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो, और अभिनव का दिल चोरी हो गया था। इसके अलावा रुबीना के इंस्टाग्राम की फोटो पर अभिनव ने उनके फोटोशूट पर कमेंट किया था, क्या मुझे अपने साथ शूट करने का मौका दोगी? और रुबीना ने सोचा कि कौन है ये लड़का। उसके बाद मुलाकात हुई, कमेंट्स पे बात हुई, और जब एक दूसरे से मिले वो लोग, तो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रुबीना को लगा अभिनव ही है मिस्टर परफेक्ट, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स थे। दोनों को ट्रैवल करना अच्छा लगता था, दोनों फिटनेस फ्रीक थे। रुबीना ने कहा इंटरव्यू में कि अभिनव के उनकी जिंदगी में आने के बाद उनको पंख लग गए थे, अभिनव ने पंख लगा दिए थे। जब चाहे तब वो लोग घूमने निकल जाते थे, ट्रैवल करते थे, और सबसे बड़ी बात, अभिनव बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते थे रुबीना के, जो रुबीना को बहुत अच्छा लगता था। एक परफेक्ट शादी उन लोगों ने शिमला में की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। एक ऐसी शादी जिसकी बहुत चर्चा हुई, बहुत खूबसूरत लगी थी। अनुष्का शर्मा से पहले ये की शादी है, और रुबीना आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत एक पहाड़ी, उनमें अनुष्का और रुबीना में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों जन पहाड़ों को बिलोंग करती है। दोनों के फीचर में एक सिमिलैरिटी है, एक क्यूटनेस है। दूल्हा अभिनव भी बहुत हैंडसम लग रहे थे, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी सज रही थी। दोनों के बहुत सारे कपल इंटरव्यूज आए, जिंदगी बहुत खूबसूरत बीती, दोनों के सोशल मीडिया पे तस्वीरें आती, साथ में इंटरव्यू देते, मगर हमेशा कहते हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, बहस होती रहती है, मगर हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जो सच होता है, सही होता है, वो गलत वाले को कन्विंस कर लेता है कि तुम गलत हो। मगर लॉकडाउन के दौरान, जब तमाम आम कपल्स की तरह ये खास कपल एक साथ था, घर में बंद रहकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जैसी और तमाम लोगों के बीच हुई। लॉकडाउन में बहुत सारे डिवोर्सेस बढ़े, बहुत सारे और इंसिडेंसेस हुए, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत थी। बहुत सारे मुद्दों पर, चूंकि दोनों काम पर नहीं जा रहे थे, बहुत सारी चीजों पर अभिनव जो है पॉइंट आउट करते थे रुबीना की गलतियां, जिस पर रुबीना को गुस्सा आता था। बात यहां तक बढ़ी कि रुबीना ने अपने पेरेंट्स को फोन करके कह दिया कि वो अभिनव के साथ नहीं रहना चाहती, डिवोर्स लेना चाहती हैं। और उसके बाद दोनों ने आपस में बातचीत की। उसी बीच बिग बॉस का शो उनकी झोली में आया, और उन्होंने तय किया कि हम ये वक्त एक दूसरे को देते हैं। पहले उन्होंने वक्त देने का तय किया, फिर ये शो आया, तो उन्हें लगा ये शो शायद एक बॉन्डिंग हो सकता है, शो पर जाकर के हम लोग जो है अपनी अलग तरीके से बातचीत कर सकते हैं, अलग तरीके से बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं। रश्मि और नंदीश याद आ गए मुझे, रश्मि देसाई नंदीश डांसिंग शो, डांस रियलिटी शो पर आए थे। उन दोनों ने भी अपने एक दूसरे को मौका दिया था, बाद में उन्होंने डिवोर्स लिया था, कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन यहां पर रुबीना और अभिनव के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है, जिस तरह का एक अपनापन, अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, लगता है रिश्ता गहरा ज्यादा है और जख्म और घाव उथले हैं। थोड़ी सी चोट में आजकल की जनरेशन जो है वो रिश्तों को शायद उतने सीरियसली नहीं लेती, इसलिए उनमें डिवोर्स की बात आती है। लेकिन जहां तक रुबीना और अभिनव की बात है, इन्होंने अपने रिश्ते को वक्त दिया सोचने के लिए, समझने के लिए, और फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से रुबीना ब्रेक डाउन हुई, ये बात बताते हुए
कि वो और अभिनव डिवोर्स लेने वाले थे, उसके बाद जैसा अभिनव का रिएक्शन था उसे साफ जाहिर है कि ये कपल अपनी गलती का एहसास कर चुका है। इन्हें इस बात का एहसास है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इनका रिश्ता नकली नहीं असली है। जब ये लोग घर के अंदर आए तो ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी डिवोर्स की कहानी यहां पर्दे पर रचने के लिए आए हैं। बिग बॉस के घर में तरह तरह की चीजें होती हैं, लोग अलग अलग मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन अभिनव और रुबीना का रिश्ता दिल को छू गया। दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए बात करते हैं, उसके लिए बदनाम होते हैं, मगर एक दूसरे का हाथ और साथ नहीं छोड़ते। तो हमारी ये दुआ है कि बिग बॉस का ये घर जो तमाम रिश्ते बनाता और बिगाड़ता है, रुबीना और अभिनव के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए, बहुत विपरीत जगह है ये, एक ऐसी जगह जहां पर जो दुनिया की कड़वी सच्चाइयों का एक छोटा आईना है, वहां पर ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये अनुभव इनकी जिंदगी को एक पॉजिटिव मोड़ दे, इनकी लव स्टोरी कभी ना खत्म होने वाली लव स्टोरी बन जाए और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि लोग उन्हें रुबीनव के रूप में देखना बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आपको कैसे लगी रुबीना और अभिनव की लव स्टोरी, जरूर बताइएगा।